हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपका ट्यूटोरियल नंबर 5 में आपका स्वागत है गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के ये सर्कल के बारे में और रिवीजन कार्ड क्लाउड के बारे में एंड एसपीलाइन के बारे में। गाइस इन चीजों के बारे में हम आपको आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एपिसोड ये ट्यूटोरियल 5 है गाइस, तो आप इससे पहले के जो एपिसोड या ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे हैं वो आप जाके आई बटन में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से देख सकते हैं गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पहले हमने कवर कर दिया था आर्क तक, अपना ट्यूटोरियल 4 तक। अब नेक्स्ट है आपका सर्कल, तो सर्कल को सिंपली इसका शॉर्टकट की है सी इंटर, तो ये सर्कल हो जाता है। ये सिंपल अपना एक पॉइंट है आपका। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रेक्टेंगल बना रखा है, तो यहाँ से आपको फाइंड पता है कि हमारे पास एक पॉइंट है ये, या एक पॉइंट ये है। तो सिंपल इसका आर्क यहाँ से अगर सर्कल डिजाइन करना है तो यहाँ से डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें क्या है, आप सर्कल को सेंटर, आप सर्कल को यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। अब रेडियस माना हमारी एक है, तो आपने ये रेडियस दे दिया। अब रेडियस को गाइस ना मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर ये रेडियस लिखा है, जाके सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अभी आपका गाइस रेडियस लिख के आ रहा है 1, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है, अब इसको सर्कल सी करके फिर पुनः यहाँ पे एंटर करो। अब इसको जो है डाया, डाया मतलब डी डी एंटर। अब डाया देकर भी आप, आपको अगर डाया पता है या रेडियस पता है, दोनों को अकॉर्डिंग आप अपना आर ये सर्कल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने डाया इसका 2 दे दिया। अब देख सकते हैं आप इसका डाया मेजर करोगे, डाया के लिए यहाँ पे है डायमीटर और सिंपली ये आपको 5 2 दिखा देगा। यस, तो आपका ये डाया मिल गया। तो अगर रेडियस है, रेडियस हमेशा गाइस जो है डाया की हाफ होती है। रेडियस यानी इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक तरफ जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपकी रेडियस होगी, और ये यहाँ से पूरा एक तरफ का आधा भाग आपका डायमीटर कहलाता है। तो ये था आपका सर्कल। नेक्स्ट है गाइस आपकी जो है क्लाउड, नेक्स्ट आपकी ड्रा कमांड है क्लाउड, रिवीजन क्लाउड बोलते हैं जिसे। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी पॉइंट हमें शो करना है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, या इसको नहीं बनना है, इसको छोड़ना है, या यहाँ पे वर्क स्टॉप है, या कुछ और चीजें हाईलाइट करनी होंगी, तो सिंपली हमें क्लाउड को यहाँ से उठा के और इस तरह से आप इसको कोने को या इसको किसी को भी शो कर सकते हो, ठीक है। यू अब ये पूरा क्लाउड है, लेकिन ये पूरा शो करता है किस चीज को, ये जो आपकी पॉली लाइन है, जैसे पॉली लाइन को वन टाइम सिलेक्ट करते थे तो पॉली लाइन आ जाती थी, सेम उसी तरह से एक वन टाइम ये पॉली लाइन ही एक तरह की है, लेकिन ये क्लाउड शो करता है। अगर हम इसकी जगह पर पॉली लाइन ले लें और इसमें भी आर्क होता है, तो आर्क यहां से एंटर करें। अब इसको आर्क को इस तरह से लें तो ये बार बार इस तरह से मूव नहीं करेगा, ये इस तरह से करता है गाइस, देख सकते हैं आप। ये छोटा या बड़ा ये अपनी डायरेक्शन लेता है, अगर इस डायरेक्शन घूम गया तो उस डायरेक्शन में जाएगा, उधर पहले सीधा जाएगा, उधर से फिर मुड़ के आएगा। तो इसके लिए, इसलिए ये अलग से क्लाउड कमांड यूज में लेते हैं गाइस। तो इसका भी आपको यूज पता हो गया होगा शायद। नेक्स्ट है आपकी गाइस एसपी लाइन, और एसपी लाइन का क्या है कि कोई भी आपके पास दो तीन पॉइंट हैं,
तो वहां तक इसको इजीली वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी जो है एकदम जिस तरह से लहराते हुए सांप की तरह, इसका वैसे अपने स्ट्रक्चर में डिजाइन में ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी लगभग आपको यूज करके दिखाते हैं। जिस तरह से आप इस तरह से इसका एसपी लाइन के लिए गाइस आपको SPL एंटर करना पड़ता है, एसपी एंटर, SPL एंटर, एसपी लाइन आ गया, ये है एसपी लाइन ले लिया, SPL एंटर हो गया। ठीक है गाइस, अब आपने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे, थर्ड पॉइंट क्लिक करोगे। अगर गाइस एक ही डायरेक्शन में आप क्लिक करते जाओगे तो आपकी लाइन ये सेम रहेगी, सीधी रहेगी। अगर आपने इसकी जगह पे SPL एंटर शॉर्टकट किया, ध्यान रखना, यहां से अब इधर को थोड़ा घुमा लिया, 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 तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यानी जहां से मोड़ना चाहो, जितनी स्मूथली मोड़ना चाहो उस हिसाब से मुड़ जाएगा। अब इसमें गाइस तीन जो है ऑप्शन रहते हैं, वन पहला तो आपका टेंजेंसी का, एंड का भी है, यहाँ पे एंड भी कर सकते हो, टेंजेंसी भी कर सकते हो, और टॉलरेंस भी कर सकते हो, अंडू से वापस जा सकते हो, क्लोज से ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लोज वाला आपको दिखाते हैं, तो अंडू से तो वापस चले जाएंगे, आपको पता ही होगा, ये क्लोज करके दिखाते हैं। ये आपका देखो पूरा क्लोज हो गया, जैसे क्लोज बटन पे क्लिक किया, फिर दोबारा से इसको एसपी लाइन को लेके आपको दूसरा यूज करके देखते हैं, 1 2 3, ये पॉइंट आपने क्लिक कर लिया, टेंजेंसी के लिए टी इंटर करो। अब किसके टेंजेंस रहना है, इसके टेंजेंस रहेगा, इसके टेंजेंस रहेगा पॉइंट, ये बोल रहा है स्पेसिफिक एंड टेंजेंट, एंड टेंजेंट कौन सा है, यही है, यहाँ से एंड कर दिया, तो गाइस ये यहाँ पे एंड हो गया। तो इस तरह का आप शो कर सकते हैं, जैसे अपना पाइप है तो पाइप यहाँ से कटा हुआ है, तो यहाँ से शो कर सकते हैं कि भाई यहाँ से पाइप कट है, या आपकी वुडन है, लकड़ी है, तो वहां से कट का निशान इस तरह से ही शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से ही शो करते हैं गाइस। इसको दोबारा से आपको एसपी लाइन यूज करके दिखा सकते हैं, हम यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया, तीसरा यहाँ पे क्लिक किया, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, एंटर कर दिया इसी कमांड से बाहर, एक एंटर, इसको एक एक्सट्रैक्ट कर लो, एंटर। अब इस लाइन को आप इजीली मिटा सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मालूम पड़ रहा है कि भाई गैस एकदम हिस्सा पूरा कटा हुआ है, तो इस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं, और भी काफी यूजेज हैं, इसको यूज में ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गाइस इलिप्स, इलिप्स और इलिप्स आर्क, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जरूर नेक्स्ट पार्ट देखें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो आप वीडियो वॉच कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग दिस वीडियो।